डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के सुझाव। क्या क्या सुझाव दिए गए हैं? संघ को प्रभावशाली बनाने के लिए मुख्य सुझाव है, नंबर एक, सदस्य राज्य अपने उत्तरदायित्व को अधिक से अधिक निष्ठा और रचनात्मक ढंग से पूरा करें। नंबर दो, महासभा के अधिवेशन अल्पकालीन हो, जिसमें सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अथवा विदेश मंत्री ही शामिल हो, अन्य प्रतिनिधि नहीं। नंबर तीन, संघ की आय का कोई स्वतंत्र साधन होना चाहिए। नंबर चार है, संघ की अलग एवं स्थायी सेना की भी स्थापना की जानी चाहिए। पॉइंट नंबर पाँच है, सदस्य राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय विधि की पालना करनी चाहिए। छह है, इस सुझाव के आधार पर महासभा के दो सदन होने चाहिए। निम्न सदन में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए और दूसरे सदन में देशों को समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए। पॉइंट नंबर सात है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए, या तो उनका स्थायी सदस्यों का प्रतिनिधित्व ही खत्म कर दिया जाए या फिर उसकी संख्या बढ़ा दी जाए, और फैसलों को बहुमत के आधार पर लिया जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट है आठ, नवीन सदस्यों के प्रवेश के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश को ही समाप्त कर देना चाहिए कि सुरक्षा परिषद ऐसी कोई सिफारिश ना करे। ये थे संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाने के सुझाव। थैंक यू।